नमस्कार, मैं किरण टाक राजकीय आवासीय महिला पॉलिटेक्निक जोधपुर से टेक्सटाइल डिज़ाइन विभाग में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। ई लेक्चर की श्रृंखला में फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल्स, जिसका सब्जेक्ट कोड 123 है, इसके यूनिट फर्स्ट के 1.5 में प्रोटीन फाइबर सिल्क का अध्ययन करेंगे। सिल्क एक मजबूत नेचुरल फाइबर है। सिल्क को क्वीन ऑफ फाइबर कहा जाता है। इसका उत्पादन चाइना, भारत, जापान तथा साउथ ऑफ फ्रांस में अधिक होता है। सिल्क में फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है। इसके कारण सिल्क एक मजबूत, टिकाऊ तथा लाइट वेटेड फैब्रिक है। अतः सिल्क एक सॉफ्ट, आरामदायक, नमी सोखने वाला, लचकदार फैब्रिक है। सिल्क में पाया जाने वाला फाइब्रिन प्रोटीन एक प्रकार से कैटरपिलर द्वारा स्त्रावित लार है, जिसे वह अपने चारों तरफ लपेट कर कोकून बनाता है। बोम्बेक्स मोराई जाति के कीड़ों से, जो शहतूत के पेड़ पर रहते हैं, उनसे अधिक सिल्क प्राप्त किया जाता है। सिल्क को मुख्य दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, मलबरी या कल्टिवेटेड सिल्क, सेकेंड वाइल्ड सिल्क। मलबरी सिल्क शहतूत के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़ों से आसानी से व कम खर्च में सिल्क प्राप्त किया जाता है। मलबरी सिल्क मजबूत, सॉफ्ट तथा टिकाऊ होता है। सेकंड, एरी सिल्क। इस प्रकार के सिल्क को प्राप्त करने के लिए सिल्क वर्म को मारा नहीं जाता है, इसलिए इसे पीस सिल्क भी कहा जाता है। यह सिल्क मोटा व अधिक टिकाऊ होता है। इसके कीड़े कैस्टर ट्री पर रहते हैं, अतः इसे कैस्टर सिल्क भी कहते हैं। टसर सिल्क। मरबरी सिल्क के बाद टसर सिल्क का उत्पादन दूसरे नंबर पर होता है। यह एक वाइल्ड सिल्क है। फोर्थ, स्पाइडर सिल्क। इसके उत्पादन में अधिक खर्चीली विधि है। इसका उपयोग बुलेट प्रूफ वेस्ट, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स तथा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में होता है। फिफ्थ, मूंगा सिल्क। यह सिल्क सिर्फ भारत के आसाम में उत्पादित किया जाता है। सिक्स्थ, सी सिल्क। समुद्री जातियों से भी कुछ मात्रा में सी सिल्क मिलता है। सेवन, कोकून सिल्क। पैकीपासा एटस जाति के सिल्क वर्म से कोकून सिल्क प्राप्त होता है। सेरीकल्चर। सिल्क के कीड़ों से सिल्क फाइबर प्राप्त करने की प्रक्रिया सेरीकल्चर कहलाती है। इस प्रक्रिया में कीड़े के अंडे से लेकर कोकून बनने तक विशेष देखभाल की जाती है। कीड़े शहतूत की पत्तियों को भोजन के रूप में खाते हैं। अंडे से कैटरपिलर निकलने के बाद ये लार्वा अपनी दो ग्रंथियों के द्वारा लार को लगातार स्त्रावित करता है और उसे अपने चारों तरफ सिर को हिलाते हुए लपेटता जाता है। जब यह लार्वा हवा के संपर्क में आता है तो ठोस अविरल फाइबर फिलामेंट प्राप्त होता है। लार्वा के दो ग्रंथियों में एक ग्रंथि फाइब्रोइन नामक प्रोटीन का स्त्राव करती है, जबकि दूसरी ग्लैंड से सीरेसिन नामक गम का स्त्रावण होता है। इस प्रकार सिल्क फाइबर में दो फिलामेंट्स एक साथ होते हैं। इस प्रकार लार्वा इन फिलामेंट्स को अपने चारों तरफ लपेटकर कोकून में बदल जाता है। इसके बाद कोकून फटकर कीड़ा बाहर आए उससे पहले ही लार्वा को कोकून अवस्था में ही गर्म पानी में उबालकर मार दिया जाता है। एक कोकून से करीब 600 से 900 मीटर अविरल रेशा प्राप्त होता है। इसके बाद सेरेसिन गम को हटाकर इसे सॉफ्ट बनाया जाता है तथा हल्का ट्विस्ट देकर इन फिलामेंट्स को रील पर लपेटा जाता है। सेरेसिन युक्त सिल्क रॉ सिल्क कहलाता है। सिल्क फिलामेंट को साबुन तथा गर्म पानी में उबालकर सेरेसिन गम को हटाया जाता है। यह प्रक्रिया डी गमिंग कहलाती है। इससे फिलामेंट सॉफ्ट और चमकदार हो जाता है तथा 30% तक फिलामेंट का वजन कम हो जाता है। जो कोकून फट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, उनसे कम लंबाई वाला स्पन सिल्क बनाया जाता है। सिल्क फिलामेंट की मोटाई को डेनियर में नापा जाता है।
प्रकार हम इस पिक्चर के द्वारा सिल्क फाइबर कैसे प्राप्त करते हैं तथा फाइबर से फैब्रिक बनाने की प्रक्रिया को समझते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्कार्फ, शर्ट्स, ब्लाउज, इवनिंग वियर, साड़ीज, डेकोरेटिव पिलोज, पर्दे आदि बनाने में होता है। इसके अलावा इसका उपयोग पैराशूट तथा सिल्क सर्जिकल सूटर्स में भी होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, कंपोजिशन। सिल्क के संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन होता है। इसमें सल्फर नहीं पाया जाता है। यह दो प्रकार के प्रोटीन्स का बना होता है। फर्स्ट, फाइब्रोइन। यह सिल्क फाइबर का मुख्य भाग है। सेकंड, सेरेसिन। यह एक प्रकार का गम है जिसकी फाइबर के ऊपर कोटिंग होती है। ये दोनों प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। सेकंड, माइक्रोस्कोपिक संरचना। सिल्क फाइबर की एक दोहरी छड़नुमा संरचना होती है जिस पर गोंद की कवरिंग होती है। वाइल्ड सिल्क फाइबर अनियमित, चपटा, लहरदार रिबन के समान होता है, जबकि कल्टीवेटेड सिल्क चिकना, बेलनाकार, समान मोटाई का ग्लास रॉड जैसा होता है। थर्ड, लेंथ। सिल्क एक नेचुरल फिलामेंट है जिसकी लंबाई 600 से 900 मीटर तक होती है। कलर ऑफ फाइबर्स। कल्टीवेटेड सिल्क अर्थात मलबरी सिल्क येलो टू ग्रेश वाइट कलर में होता है, जबकि वाइल्ड सिल्क येलो और ब्राउन कलर में होता है। वॉशिंग एंड ब्लीचिंग प्रोसेस से कलर को हटाया जा सकता है। फिफ्थ, चमक। सेरेसिन गम के कारण सिल्क फाइबर में चमक नहीं होती है, परंतु गम को हटाकर सिल्क को चमकीला व सॉफ्ट बनाया जाता है। सिक्स्थ, मजबूती। नेचुरल फाइबर में सिल्क सबसे मजबूत रेशा है, लेकिन गीली अवस्था में यह 20% तक अपनी मजबूती खो देता है। सेवेंथ, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी अच्छी होती है। यह बिना टूटे 20% तक अपनी मूल लंबाई से अधिक खिंच जाता है। एट्थ, घनत्व। कॉटन, वूल तथा रेयन की तुलना में इसका घनत्व कम होता है। नाइन्थ, हाइड्रोस्कोपिक नेचर। हाई क्रिस्टलाइन पॉलीमर सिस्टम होने के कारण इसके रेशे की अवशोषण क्षमता वूल से कम होती है। टेंथ, इफ़ेक्ट ऑफ हीट। 170 डिग्री पर यह फाइबर विघटित हो जाता है, अतः इसे हाई टेम्परेचर पर प्रेस नहीं करनी चाहिए। 11th, इफ़ेक्ट ऑफ सनलाइट। धूप का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। 12th, इफ़ेक्ट ऑफ मॉथ। प्रोटीन फाइबर होने के कारण कीड़े जल्दी लग जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, इफ़ेक्ट ऑफ एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिटिक एसिड इसके लिए उपयुक्त है। सेकंड, इफ़ेक्ट ऑफ एल्कलीज। हल्के क्षार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्ड, इफ़ेक्ट ऑफ ब्लीच। क्लोरीन ब्लीच्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन पर बोरेट इसके लिए उपयुक्त है। एफिनिटी फॉर डाइस। एसिड तथा बेसिक डाई के प्रति सादृश्यता उत्तम होती है। थैंक यू।